हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुला पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 79, साइंस क्लास 10th। टॉपिक है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, असर्शन एंड रीजन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम करेंगे आज। सबसे मेन क्वेश्चन है कि असर्शन क्या होता है, रीजन क्या होता है। असर्शन मतलब एक सिंपल स्टेटमेंट होती है, फैक्ट होता है, ओपिनियन होता है अबाउट, मतलब किसी भी चीज के बारे में, बट नॉट नेसेसरी ट्रू। वो जरूरी नहीं है कि वो ट्रू हो। कोई स्टेटमेंट है, कोई फैक्ट है, ओपिनियन है अपनी, लेकिन वो ट्रू है कि नहीं जरूरी नहीं है। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट जस्टिफाई करता है असर्शन को, ये जस्टिफाई करता है असर्शन को, ये भी जरूरी नहीं है कि ट्रू हो। तो दो स्टेटमेंट्स आपको गिवन होंगी आज के क्वेश्चन के टाइप्स में, और वन इज असर्शन, ठीक है, एंड अदर इस रीजन। ए फॉर असर्शन, आर फॉर रीजन। तो सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर। आपके पास कोर्स दे रखे ए बी सी डी, देखिए ए बी सी डी। ए का मतलब है ए और आर, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होंगे, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा असर्शन की। एंड बी मतलब ए और आर दोनों ट्रू होंगे, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सी मीन्स ए इज ट्रू, यानी ये ट्रू होगा, बट आर इज फॉल्स, रीजन फॉल्स होगा। डी मीन्स ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इस तरह से दिया होगा, जैसे कि एग्जांपल में है ना कि वेस्ट फ्रॉम अ पेपर फैक्ट्री कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एक केमिकल फैक्ट्री में से वेस्ट निकलता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी एक एसिड है बहुत स्ट्रॉन्ग है ये ज्यादा निकलता है। वी शुड ट्रीट, अब इस वाटर को जो वेस्ट फ्रॉम पेपर फैक्ट्री, वी शुड ट्रीट द वेस्ट, जो वेस्ट है उसमें उसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करना चाहिए बिफोर डिस्पोजल, डिस्पोजल से पहले, यानी उसके साथ बेस मिलाना चाहिए ताकि वो सेफ रहे, एसिड के रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर देता है। देखिए एसिड प्लस बेस ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है, न्यूट्रलाइज रिएक्शन हो जाता है। तो रीजन क्या है? ट्रीटिंग इट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर इसको ट्रीट करते हैं तो ये न्यूट्रलाइज कर देगा द इफेक्ट ऑफ बेस। तो क्या आर जो है ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? हाँ, देखिए दोनों ठीक है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लासिफाई यही है कि दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका स्ट्रॉन्ग बेस ही लेना पड़ेगा। दोनों को हमने लिया तो ये सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा, और ये क्या है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों जो है ट्रू है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक या हाइड्रोजन एसिड जो है, वो जब वाटर में एड करोगे तो वो आयनाइज फॉर्मिंग हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आयन, दस इट इज एसिडिक और अनकैन न्यूट्रलाइज बाय, इसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है किसी भी बेस के द्वारा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए न्यूट्रलाइज भी स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा ही होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? असर्शंस ए देखा, एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर, एसिड को धीरे धीरे वाटर में मिलाना चाहिए और हिलाते हुए। रीजन, प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एसिड, एसिड को वाटर में मिलाएंगे तो हाईली एक्सोथर्मिक होता है, यानी बहुत ज्यादा हीट क्रिएट होती है, एक्सोथर्मिक मतलब हीट क्रिएट होती है, और धीरे धीरे नहीं मिलाएंगे तो अचानक से पट से एसिड छपाक से गिर सकता है बॉडी पे और बॉडी को हार्ट कर सकता है, ना, जला सकता है। तो बताइए दोनों करेक्ट है? हाँ जी, पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, एंड बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए ऑप्शन होगा, हमारा ए ऑप्शन होगा, हमने ए आंसर लगाया है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, ए क्या है, असर्शन क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड इज बेस, कैल्शियम ऑक्साइड बेस है लेकिन एल्केलाइन नहीं है, एल्कोली नहीं है, ठीक है। रीजन क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इनसॉल्युबल। तो देखिए ये वाला तो ट्रू है कि एल्कोली नहीं है, बट कैल्शियम ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, दिस इज फॉल्स। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है ना। सी ऑप्शन ऊपर देख लीजिए, सी ऑप्शन यही है ना, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऊपर से देखना है, असर्शन क्या है? देयर इज नो चेंज इन कलर ऑफ लिटमस पेपर व्हेन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, यानी डिस्टिल्ड वाटर के कॉन्टेक्ट में, यानी उसमें एक लिटमस पेपर को डालते हैं तो कलर चेंज नहीं होता। यानी लिटमस पेपर यूज किस लिए होता है? टू फाइंड वेदर अ सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। पहला ठीक है कि नहीं है? यस, पहला ठीक है, पहला ठीक है कि जब डिस्टिल्ड वाटर में लिटमस पेपर को डालते हैं तो कोई चेंज नहीं आता है,
और दूसरा लिटमस पेपर होता है इसीलिए एसिड या बेस के पता लगाने के लिए। तो बोथ ए एन आर करेक्ट, ठीक है। एंड एंड क्या होगा बताइए। बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। व्हाई? क्योंकि एसिड और बेस को ये देखने के लिए है, बट इसमें ये डिस्टिल वाटर का हमें पता नहीं चला ना क्या है, तो इसका आंसर बी होगा, बी ऑप्शन होगा। देखिए बी ऊपर, यहां देखिए बी, बी में ये लिखा है बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, एच एन ओ थ्री एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एसर्शन है, स्ट्रॉन्ग एसिड तो है। स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट्स कंप्लीटली और ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन वाटर, ठीक है, मतलब ये डिसोसिएट हो जाते हैं कंप्लीटली या ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन वाटर। तो क्या है इसका आंसर अब बताइए। देखिए ए पहला आंसर तो ठीक ही लग रहा है मुझे, एसर्शन, और ये भी ठीक है क्योंकि ये हो जाते हैं इसमें, और नेचुरल है कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो वाला है, तो आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ए आंसर होगा इसका। ऐसे ये देखिए ये आंसर है, अब पूरा ऐसे समझाना भी है ना। पांचवा क्या है, एसर्शन क्या है, सॉल्ट्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है सॉल्ट, होता है ना, एसिड और बेस का रिएक्शन होता है न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्ट निकलता है। सॉल्ट में भी एसिडिक और बेसिक, सॉल्ट एसिडिक और बेसिक हो सकता है क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं, न्यूट्रलाइज हो गया ना वो तो। सो एसिड और बेस का रिएक्शन होता है न्यूट्रलाइज रिएक्शन हो गया, तो ये एसिडिक बेसिक कैसे हो सकता है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स, तो सी ऑप्शन होगा। देखिए समझ में आ गया पहले का आंसर। नाउ सिक्स एसर्शन क्या है, ऑन एडिंग H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 टू वाटर में अगर आप इसको ऐड करते हैं रिजल्ट क्या आता है, एक्वियस सॉल्यूशन मिलता है ना, और वो कोरोसिव, कोरोसिव यानी जंग लगा देता है चीजों को, यस ये जंग लगा देता है। तो हाइड्रोनियम आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोसिव एक्शन, हाइड्रोनियम आयंस बनेंगे जो कि कोरोसिव एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाँ दोनों ठीक है, एंड आर जो है ये हाइड्रोनियम आयंस से बनता है, तो ये इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एसर्शन ए आंसर है। देखिए ए सी बी ए सी ए ये आंसर होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि असर्शन क्या है और रीजन क्या है। बच्चे इसको शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।